हेलो गाइस, दिस इज अलीशा महाजन फ्रॉम अन अकेडमी। होप यू आर डूइंग वेल। सो पिछले लेक्चर वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किए ये दो रूल्स। अब हम करेंगे यही से आगे कि आगे वाले रूल्स क्या होते हैं। तो ये तो थे गाइस बहुत ही इजी वाले रूल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। एक तो स्टेटमेंट भी तीन होनी चाहिए, जिसमें से दो होंगी प्रीमाइसेस और तीसरा होगा कंक्लूजन। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है, तीन टर्म्स ही होनी चाहिए। अगर तीन टर्म से ज्यादा हुआ तो वो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है हमारा, रूल्स ऑफ क्वालिटी। अब ना गाइज, ये जो रूल्स ऑफ क्वालिटी है ना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड टिपिकल भी है। जो अभी तक आपने किया ना, वो तो उसका ये बाप है, बाप ऑफ ऑल। तो इस वजह से ना इसको ध्यान से समझना। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल क्या कहता है, जो मिडल टर्म होती है ना, मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म दैट इज ये इंडियंस। मिडल टर्म हमारी कौन सी है, इंडियंस। सो गाइस, जो मिडल टर्म है हमारी, वो कम से कम क्या होनी चाहिए, ऑल के केस में, ठीक है ना, इसके केस में तो जरूरी हमारी एक बार डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए प्रीमाइसेस पर। अब आप कहेंगे मैम ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, अब मैं आपको समझाऊंगी डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है, आपको वेन डायग्राम बनानी आती है, उसको बनाते हैं। पहली स्टेटमेंट की वेन डायग्राम बना रही हूं मैं, ऑल बिहारीज, ये बी फॉर बिहारीज और इंडियंस, एंड यहां पर क्या है, ऑल पंजाबीज आर इंडियंस, मतलब इंडियन के आगे यहां पर पंजाबी भी आ गया। ठीक है, सो गाइज, ये जो मैंने ये वाली डायग्राम बनाई है ना, ये वाली डायग्राम, वेन डायग्राम, इन दोनों के थ्रू, तो सो आपको गाइज पहले आप ये देखे, क्या ऑल पंजाबीज आर बिहारीज लग रहा है यहां पर, ऑल पंजाबीज आर बिहारी। तो एक तो आपको वेन डायग्राम से क्लियर हो जाता है कि ये कंक्लूजन हमारा गलत है। अब ये रूल है ना डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका क्या मतलब है वो देखिए। उसमें ये कहना चाहता है, अगर आपका केस है ऑल का, अगर आपका केस है ऑल का, तो उसमें जो आपका मिडल टर्म है वो कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मिडल टर्म मतलब इंडियन। सो गाइज, इस वाली डायग्राम में मिडल टर्म है हमारा जो वर्ड ऑल के साथ लगता है। सो याद रखिए, अपनी अपनी कॉपीज में सभी लिखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ आने तभी समझ लगेगा अगर आप इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, जो हमारा ऑल के साथ लगने वाला वर्ड है दैट इज बिहारी एंड पंजाबी, इसको गाइज हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। That is all के साथ लगना is called distribution, मतलब छोटे सर्कल में आना। ये इंडियन वाला बड़ा सर्कल है ना, छोटे सर्कल में आने को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हम यहाँ पर कंक्लूजन देखेंगे, क्या हमारा इंडियन वर्ड, पहले तो ये देखिए, क्या हमारा इंडियन वर्ड जो है दैट इज मिडल टर्म, वो एक भी बार डिस्ट्रीब्यूट यहां पर या यहां पर आया है? द आंसर इज नो, क्योंकि मैम आपने अभी अभी बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पता क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है यहां पर मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब। ये मैं आपको बता रही हूँ, रूल हम कर रहे हैं मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, अभी हमने मेजर टर्म और प्रिमाइज की बात नहीं करी है, उसका रूल आगे जाकर आएगा। मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूशन का गाइस मतलब होता है जो वर्ड कॉमन है, कॉमन है यहां पर इंडियंस, इसका मतलब है इंडियन वर्ड्स, इंडियन वर्ड कहां पर आना चाहिए था, ऑल के साथ। क्योंकि गाइज आप देखें, ये पता कौन सी फिगर है, पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको फिगर बताई थी जिसमें मैंने बोला था अगर इस तरीके से है तो आपकी फर्स्ट फिगर है, राइट साइड पर अगर ये बनता है मिडल टर्म तो ये राइट साइड पर है, अगर ये बिहारी और पंजाबी की जगह दोनों जगह इंडियन इंडियन होता ना तो ये मतलब ये सेकेंड फिगर होती, लेकिन ये राइट साइड पर बना है तो ये हो गई सेकेंड फिगर। अगर यही चीज लेफ्ट पर होती तो वो होती थर्ड फिगर, मतलब बिहारी और पंजाबी की जगह इंडियन इंडियन लिखा होता तो वो थर्ड फिगर होती, फोर्थ फिगर होती अगर ये इस तरीके से स्प्लिट होती। लेकिन गाइस, जो हमारा पहला केस जो हमने याद किया था
ट्रिक जो मैंने आपको याद करवाई थी, कौन सी ट्रिक याद करवाई थी मैंने आपको? ए ए ए, और उस पे हमने कहा था कि हमारा दिल सिर्फ एक के पास है, इट मींस जो ट्रिपल ए है वो सिर्फ फर्स्ट फिगर में आता है। और यहां पर हम मूड देखें तो ए, ये वाला मूड ए और ये वाला ए ए, ट्रिपल ए तो है मैम, ट्रिपल ए वाला तो आता ही बस फर्स्ट फिगर में है। अब यहां से गाइस फिगर देखें, फिगर कौन सी है यहां पर, फिगर पता कौन सी बनी है? इसको देखने से बनता है, हमें पता लगता है फिगर, मिडल टर्म से हमें फिगर पता लगती है। और यहाँ पर इंडियन इंडियन हमने देखा तो हमें ये पता लगा गाइस कि ये तो हमारी सेकेंड वाली फिगर है, तो इट मीन्स ट्रिपल ए जो है वो हमारा सिर्फ फर्स्ट फिगर में आना चाहिए। दैट इज अगर यहाँ पर एक इंडियन होता तो हम इस तरीके का ये बना पाते। वेट अ सेकेंड, अगर हमारा मैम यहाँ पर इंडियन होता ना, यहाँ पर छोड़ के यहाँ ना होता, यहाँ पर इंडियन होता तो हमारी ये फर्स्ट फिगर बन जाती और ये हमारा पहला मूड, मूड के साथ जो फिगर होती है ना फर्स्ट, ये ठीक हो जाता, तब हम इसे बोलते अनकंडीशनली वैलिड मूड, अनकंडीशनली वैलिड मूड। 15 के 15 मूड ही तो याद करने हैं ना, हमारा दिल तो एक के पास है, तो एक का मतलब फर्स्ट फिगर, फर्स्ट फिगर मतलब इस तरीके से ये होना चाहिए, तो ये गाइज हमारा गलत हो जाता है। तो इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जब आपका मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है का क्या मतलब है? आपका इंडियन एक बरी भी ऑल वर्ड के साथ नहीं आया, ऑल के केस में साथ में आना होता है, नहीं आया तो इट मींस आपका मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो ये फैलसी है मिडल टर्म की, फैलसी ऑफ मिडल अनडिस्ट्रीब्यूटेड, फैलेसी ऑफ मिडल अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो यहाँ पर इंडियन आता, लेकिन यहाँ पर इंडियन वर्ड नहीं लिखा है, इट मीन्स ये फैलेसी है। फैलेसी का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरा यहीं पर वीडियो आपका है फैलेसी का, वो देख सकते हैं। तो ये हमारी गलती हो गई, ये हमारा वैलिड मूड नहीं है, ये हमारा वैलिड मूड नहीं है। अब हम चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ, सेकेंड रूल की तरफ। सेकेंड रूल हमारा ये भी डिफिकल्ट है, इसको अब हमने देखना है। सेकेंड रूल में ना हमने क्या देखना होता है? कंक्लूजन। द टर्म विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइस। दैट मींस जो हमारा टर्म होती है, ये लास्ट है कंक्लूजन, इसके साथ जो टर्म होती है ना, वो दोनों की दोनों हमने देखनी है, वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए प्रीमाइस में। अब याद रखने का दूसरा रूल, रूल नंबर 2, आपने अपनी कॉपीज पर लिखो, अपनी कॉपीज पर लिखे गाइस। अगर कॉन्क्लूजन में ऑल लिखा है, दैट इज हमारी पिछली वाली स्टेटमेंट, यहां पर कॉन्क्लूजन में ऑल लिखा है ना, देखे, और हमने क्या चेक करना है यहाँ पर? पंजाबीज, ठीक है? पर क्योंकि ये हमारा मिडल टर्म वाला रूल था तो हमने ऑल वर्ड के साथ अभी ध्यान नहीं दिया, हमने ऑल वर्ड के साथ अभी ध्यान नहीं दिया। पर यहां पर भी मैं आपको बता सकती हूं कि हमने जो सेकेंड रूल है जिसमें कंक्लूजन देखना होता है वो हम कैसे देखते हैं? जिस सेकेंड रूल में हम कंक्लूजन को देखते हैं, तो कंक्लूजन को देखते हैं, पहले स्टेटमेंट में अगर हम कंक्लूजन को देखें तो रूल कहता है अगर आपका ऑल वाला वर्ड है, अगर आपका ऑल लिखा हुआ है तो ऑल के साथ आने वाला वर्ड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। दैट इज ऑल के साथ है पंजाबी, और पंजाबी वर्ड मैम सेकेंड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बीच वाले में आ जाए, ये आ जाए, तो यहां पर तो पंजाबी आया हुआ है ना, इट मीन्स इस केस में यहाँ पर इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये वाली स्टेटमेंट में गलती क्या थी? गलती थी मिडल टर्म वाले की, क्योंकि मिडल टर्म को एक बार डिस्ट्रीब्यूट होना था लेकिन मिडल टर्म तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं। सो जो हमारा यहाँ पर मेजर और माइनर वर्ड हम देखते हैं उसमें यहाँ पर कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अपना सेकेंड एग्जाम्पल, देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखे, आपने अभी अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सुने,
अच्छे से सुने, बाद में आपको पता लगेगा। सो जो कंक्लूजन वाला केस होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कंक्लूजन वाले पार्ट में जब हमने कंक्लूजन में गलती है कि नहीं है तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा पार्ट होता है मेजर, मेजर में गलती है मतलब मेजर वर्ड आपका गलत है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। मेजर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। एक होता है हमारा माइनर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये दो रूल्स होते हैं। पार्ट नंबर वन में हम डिस्कस करेंगे मेजर। अब मेजर क्या है, पहले सबसे पहले आप ये कॉन्क्लूजन देखें और उसमें ये मेजर वर्ड देखें। मेजर वर्ड मेज हमारा माइनर होता है डॉग, आपको पता है। सब्जेक्ट हमारा माइनर टर्म होती है और सेकेंड टर्म हमारी मेजर होती है। सो क्वाड्रुपेड को आप देखें, हम अच्छे से क्वाड्रुपेड को देखें। क्या क्वाड्रुपेड पहली दोनों किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब था या तो हॉर्स की जगह पर आता या तो डॉग की जगह पर आता, और नहीं है। सो गाइज इसके साथ आपको ये भी गलत हो जाता है, लेकिन एक रूल याद करना है आपने यहाँ पर। ये एक ट्रिक है जो मैंने फाइंड आउट करी है, उसको आप लिखें। अब उसको आपने लिखें, अगर अगर कॉन्क्लूजन में ऑल लिखा हुआ है, अगर कॉन्क्लूजन में ऑल लिखा हुआ है तब आप सिर्फ गलती है कि नहीं, आप सिर्फ नेक्स्ट वाला वर्ड देखेंगे, दैट इज पंजाबी। यहां पर सिर्फ पंजाबी देखना था, लेकिन अगर अगर दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ ऑल के केस में, डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ किसकी होती है? ऑल के केस में। अगर कंक्लूजन में ऑल है, अगर कंक्लूजन में आपका ऑल है, दैट इज दिस। ये गाइस जो कंडीशनल वाले है ना 9, वो भी आपके साथ साथ रिवाइज हो रहे हैं, इसीलिए कह रही हूं साथ साथ चीजें लिखो। अगर आपका कंक्लूजन के साथ, कंक्लूजन में एक तो वर्ड ऑल है तो आप सिर्फ माइनर प्रीमाइज देखते हैं, सिर्फ माइनर देखते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ है। इस केस में हुआ हुआ है, अब हम देखते हैं यहां पर। लेकिन अगर आपका कंक्लूजन में, अगर आपका कंक्लूजन में नो वर्ड आ गया है तो आप माइनर प्रीमाइज भी देखते हैं, मेजर भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से ये देखेंगे कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। सबसे पहले गाइज आप देखेंगे पहला वाला, ये क्या है आपका माइनर प्रीमाइज। तो आपने देखा मैम माइनर वाला वर्ड तो ना सेकंड वाले स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, सेकंड वाले स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, दैट्स वाई ये हमारा जो माइनर वाली फैलसी नहीं है। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ बच्चों नो के साथ तो हमने दोनों वर्ड्स देखने होते हैं। आपने डॉग को तो देख लिया लेकिन क्वाड्रुपेड को नहीं देखा। फिर आप कहते हो हाँ जी मैम हम इसको भी देखते हैं। सो क्वाड्रुपेड को जब मैंने देखा, क्वाड्रुपेड तो ना यहां पर है ना यहां पर है, इट मींस क्वाड्रुपेड वाला कंडीशन नहीं फुलफिल हुई हमारी। ये हमारी है फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। ये वाली मेजर टर्म थी ना, जब मेजर टर्म गलती करे तो हमारी वो फैलेसी होती है। फैलेसी मतलब गलती, गलती होती है वो मेजर फैलेसी। सो ये गाइस इसका ट्रिक है। इसी के साथ जो रूल नंबर 2 है ना, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहां पर मेजर की गलती निकालनी है और यहां पर हमने माइनर को देखना है। ये जो गाइस हमारी गलती है वो है माइनर वाली, कि माइनर कब गलत हो सकता है। अब आप देखेंगे यहां पर माइनर, यहाँ ये वाली फर्स्ट टर्म कौन सी होती है? माइनर। तो अब आपने यहाँ पर ऑल के साथ हम देखते भी क्या है, ऑल के अगर ऑल वर्डिंग हो तो हम सिर्फ मैम माइनर ही देखते हैं। ऑल के साथ अगर हो ना तो हमने रैशनल को नहीं देखना, सिर्फ माइनर को चेक करना। ठीक है बच्चों, हम एनिमल्स को चेक करते हैं, क्या एनिमल जो वर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है? आप बोलते हो नो मैम, ना एनिमल यहाँ पर आया है ना एनिमल यहाँ पर आया है। इट मीन्स ये हमारी माइनर फैलेसी है, दैट इज इलिसिट माइनर फैलेसी। सो आई होप गाइज यू आर क्लियर विद दिस। अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, रूल क्या है, मेरी ट्रिक याद करिए। अगर तो कंक्लूजन में ऑल लिखा हुआ है तब आप सिर्फ चेक करेंगे कि फर्स्ट उसके वेरी नेक्स्ट वर्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर तो कंक्लूजन में नो वर्ड लिखा हुआ है तब आप पहला वाला भी चेक करेंगे, दूसरा वाला भी चेक करेंगे, ठीक है। सो गाइज, ये ना डिस्ट्रीब्यूशन वाला ना बहुत लंबा केस होता है, तो आई होप आपको ये केस क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम नेक्स्ट वाले रूल्स करेंगे। सो आई होप गाइज यू आर क्लियर विद दिस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।